एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आज हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसको आज हम लोग खत्म करेंगे। आज इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है, तो मैं चाहता हूं कि इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप बाकी के दो लेक्चर्स को भी देख लीजिए ताकि इस क्लास को आप लोग इजिली कनेक्ट कर पाएंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट करें, और आप इस चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जो कि यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। ये सारे वीडियोस पेड कोर्सेज के पार्ट हैं, लेकिन आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो ये आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर पार्ट 3। तो ये है हम लोग का टेबल ऑफ कंटेंट जिसमें हम लोग ये सब टॉपिक आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंडिया स्टैंड ऑन बीओपी, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज एक्यूमुलेशन, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, करेंट एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और टॉपिक ऑफ द डे जो कि आपका मेन्स पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है इंडिया का स्टैंड ऑन बीओपी। तो बेसिकली 2018 के हिसाब से इंडिया का जो बीओपी है वो आपका नियरली $49 बिलियन पहुंच चुका है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये आपका 75 बिलियन तक जाएगा क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। COVID-19 पेंडेमिक ने इस सिचुएशन को और ज़्यादा खराब कर दिया है जो कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इंडिया का जो फॉरेक्स है वो बेसिकली आपका $450 बिलियन पे स्टैंड करता है, जिसको माना जाता है कि 7th लार्जेस्ट है आपका पूरे दुनिया में। इंडिया जो है अभी उसके पास इतना कैपेसिटी है कि वो आपके 11 महीने का इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सकता है, तो इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया जो है वो आपका वर्ज ऑफ क्राइसिस पे नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने 1991 में विटनेस किया था। इंडिया का फॉरेक्स एक्यूमुलेशन, इंडिया जो है वो हमेशा से डेफिसिट फेस कर रहा है आपका मर्चेंडाइज ट्रेड अकाउंट पे, मतलब कि इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है आपका एक्सपोर्ट से, लेकिन उसी समय इंडिया जो है वो आपका इनविजिबल अकाउंट पे सरप्लस इंजॉय करता है। इनविजिबल अकाउंट बेसिकली क्या है, मतलब कि जो भी आपका रिसिप्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से है, इनवर्ड रेमिटेंसेज हो रहा है मतलब कि माइग्रेंट वर्कर से या टूरिज्म से, ये आपका इनविजिबल अकाउंट में आता है। इनविजिबल अकाउंट में और बहुत सारे चीज इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका पेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी आपका फॉरेन लोन्स पे, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ब्रांड, ये सब जितना भी चीज होता है ये आपका इनविजिबल अकाउंट के अंदर आता है। लेकिन इनविजिबल अकाउंट का जो सरप्लस है वो ट्रेड डेफिसिट से कम है, जिसके वजह से इंडिया जो है उसको कॉन्स्टेंटली आपको CAD मतलब कि करेंट अकाउंट डेफिसिट रजिस्टर्ड करना पड़ रहा है। इंडिया जो है वो अपना फॉरेक्स सिर्फ एक्सपोर्ट से ही नहीं कमाता है बल्कि उसका कैपिटल इनफ्लो भी होता है, मतलब कि FDI हो गया, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब के थ्रू भी इंडिया में फॉरेक्स आपका आता है। इंडिया एक तरह का यूनिक कंट्री है जो कि अपना वो फॉरेक्स डेवलप किया है, बिल्ड किया है कैपिटल अकाउंट के स्ट्रेंथ के बेसिस पे, मतलब कि कैपिटल अकाउंट क्या करता है, मतलब फॉरेन इनफ्लो जितना भी अट्रैक्ट हो रहा है कैपिटल अकाउंट में, उसके बेसिस पे इंडिया ने अपना फॉरेक्स को बिल्ड किया है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इंडिया एक तरह का यूनिक कंट्री है। सॉल्विंग एक्सपोर्ट पैराडॉक्स, तो बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपका एक्सपोर्ट को अफेक्ट करते हैं, तो हम लोग इसको दो पैरामीटर से पढ़ेंगे, ग्लोबल और डोमेस्टिक, मतलब कि ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं और डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं जिसके वजह से आपका एक्सपोर्ट अफेक्ट हो रहा है। तो ग्लोबल फैक्टर में बेसिकली आपका आता है ट्रेड बैरियर्स, लैक ऑफ मार्केट एक्सेस, ट्रेड वॉर हो गया, इंटरनेशनल करेंसी में अगर वॉलेटिलिटी है तो उसके वजह से भी आपका ग्लोबल मतलब कि उसके वजह से भी आपका एक्सपोर्ट अफेक्ट होता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है तो उसके वजह से भी, और बहुत सारे ऐसे ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिसके वजह से आपका एक्सपोर्ट अफेक्ट होता है। अब हम लोग डोमेस्टिक फैक्टर देख लेते हैं। तो डोमेस्टिक फैक्टर में आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट हो जाएगा, इन्फ्लेशन रिस्क है, गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज है, और कई प्रकार के डोमेस्टिक फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके वजह से आपका एक्सपोर्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है। ये दोनों फैक्टर के कॉम्बिनेशन से हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस एक्सपोर्ट का कितना है एक तरह से। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं।
एक स्ट्रॉन्ग करेंसी जो होता है वो आपका एक्सपोर्ट के लिए गुड नहीं होता है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसा पहला पॉइंट में यूज किया गया है, तो उसका मतलब क्या है कि मतलब अगर आपका करेंसी स्ट्रॉन्ग है तो वो एक्सपोर्ट के लिए गुड नहीं है, लेकिन वो इम्पोर्ट के लिए अच्छा है। अब स्ट्रॉन्ग करेंसी का मतलब क्या होता है, इसको एक हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि $1 का जो वैल्यू है इंडियन करेंसी में वो है 70 रुपीज। एक महीने बाद उसी $1 का जो वैल्यू है वो इंडियन करेंसी में हो जाता है 40 रुपीज। तो यहाँ पे इंडियन करेंसी का नंबर तो घट रहा है, मतलब कि 70 से 40 तो हो रहा है, लेकिन इंडियन करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्गर हो रहा है अगर हम लोग उसको 70 रुपीज से अगर कंपेयर करें तो। और कुछ फैक्टर भी ऐसे हैं जिसके वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट क्या कहते हैं मतलब कि इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि इंडिया का ओवर डिपेंडेंस, इंडिया जो है वो ओवर डिपेंडेंट है आपका यूरोपियन यूनियन और यूएसए के मार्केट्स पे। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये बेसिकली आपका 40% ऑफ द शेयर है इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट में, मतलब कि 40% जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो आपका यूरोपियन यूनियन और यूएसए के मार्केट में करता है। तो यहाँ पे क्या जरूरत होगा कि हम लोग एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करें, सबसे पहला है कि आपको इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करना होगा ताकि उसका लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट स्ट्रेटर्जी बरकरार रह सके, और उसके लिए जरूरत भी है। दूसरा, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट हो और रुपी को कॉम्पिटेटिव बनाया जा सके ताकि आपका इंडिया का एक्सपोर्ट फिर से रिवाइवल हो सके, मतलब कि रिवाइव कर सके। और इंडिया को कंटिन्यूअस एफर्ट देना चाहिए ताकि वो अपना सप्लाई साइड जितना भी बॉटल नेक है उसको एलिवेट कर सके ताकि स्ट्रक्चरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट मिले। तो ये सब कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, या ये सब कुछ कुछ क्या कहते हैं आपका सॉल्यूशंस हैं जिसके हेल्प से इंडिया अपना एक्सपोर्ट को है वो इम्प्रूव कर सकता है। इसी को थोड़ा हम लोग चार पॉइंट्स को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या स्टेप ले सकते हैं कि हम लोग एक कैलिब्रेटेड अप्रोच लगा सकते हैं ताकि हम लोग का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो सके। उसके बाद डोमेस्टिक पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशन में हम लोग रिफॉर्म ला सकते हैं, तो उसके हेल्प से भी हम लोग का एक्सपोर्ट पैराडॉक्स सॉल्व होगा। उसके बाद हम लोग लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ इंगेज कर सकते हैं और उनके साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं, मतलब कि इन्फ्लेशन हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, ये सब का मैनेजमेंट अगर होगा तो हम लोग एक्सपोर्ट पैराडॉक्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। ये टॉपिक आपका प्रिलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारे इंडियन कॉर्पोरेशंस या PSUs यूज करते हैं ताकि फॉरेन मनी को एक्सेस कर सके। बेसिकली मेन यही होता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का डिफिनेशन। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग में आपका कॉमर्शियल बैंक लोन्स आ जाता है, बायर्स क्रेडिट आ जाता है, क्रेडिट फ्रॉम ऑफिशियल एक्सपोर्ट आ जाता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी से कि आपका ADB हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB, ये सब कुछ कुछ आपका एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के अंदर इंक्लूडेड रहता है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को हम लोग स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में और रियल इस्टेट स्पेकुलेशन में यूज नहीं करते हैं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को आपका स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में और रियल इस्टेट के स्पेकुलेशन में यूज नहीं करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, वो RBI के साथ आपका एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के गाइडलाइंस और पॉलिसी को मॉनिटर और रेगुलेट दोनों करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को हम लोग 50% यूज कर सकते हैं, मतलब कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग से जो भी पैसा आ रहा है हम लोग 50% उसको फंड कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में। टेलीकॉम सेक्टर में भी 50% अलाउड है। बोरोवर्स जो है वो 25% ऑफ द एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग आपका रुपी के डेट को रिपे करने के लिए यूज कर सकते हैं, और रिमेनिंग 75% वो यूज कर सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए। बोरोवर जो है वो क्या कहते हैं इंटायर एग्जिस्टिंग रुपी लोन को रिफाइनेंस करने के लिए एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि जितना भी रुपी लोन है उसको अगर रिफाइनेंस करना है तो बोरोवर जो है वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को ही सिर्फ यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स से और मेंस के लिए भी। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि क्या कहते हैं ऑथेंटिकेटेड साइट से लिए गए हैं, तो ये पॉइंट को आप लोग एक बार अच्छे से एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन। ये बेसिकली क्या होता है कि मतलब कितना अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हम लोग पे करेंगे ताकि यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी हम लोग पा सकें। इसको अगर लेमेंस टर्म्स में अगर बोला जाए तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से
फॉरेन एक्सचेंज रेट बेसिकली डिटरमाइन करने का एक ही तरीका होता है कि मतलब हम लोग दो करेंसी के रिलेटिव परचेजिंग पावर को देखें, तो उसके बेसिस पे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम लोग यहाँ पे डिटरमिन कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली एक करेंसी का प्राइस दूसरे करेंसी कंट्री के करेंसी के रिलेशन में माना जाता है। जो भी डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज रेट का होता है वो बेसिकली रेसिडेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री से आता है। तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है डिमांड वर्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस नहीं है, ये बेसिकली एक टेबल में मैंने इसको बनाया है और इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखते हैं, मतलब कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन करेंसी का बेसिकली नीड होता है ताकि हम लोग फॉरेन कंट्री में ट्रांजेक्शन कर सकें या हम लोग फॉरेन गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकें। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इम्पोर्ट है। दूसरा, फॉरेन करेंसी का नीड होता है ताकि हम लोग फॉरेन कंट्री के एसेट और बॉन्ड में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो वहां पे भी हम लोग को डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है। इंडियंस जो भी अपना पैसा ओवरसी मार्केट में होल्ड करते हैं वहां पे भी डिमांड होता है, और इंडियंस जो आपका एब्रॉड ट्रेवल करते हैं टूरिज्म पर्पस के लिए तो वहां भी आपका फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड होता है। नेक्स्ट है आपका सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो कि राइट हैंड साइड वाले टेबल में है। तो सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी अवेलेबल टू द डोमेस्टिक कंट्री आर फॉरेनर्स और परचेजिंग आवर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि एक्सपोर्ट, मतलब कि जो भी फॉरेनर्स हमारा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं वो बेसिकली आपका सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी है। जो भी फॉरेनर्स हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट एसेट और बॉन्ड रेमिटेंसेस ये सब में इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो वो बेसिकली हमारा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, वहां से हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई हो रहा है। जो भी फॉरेनर्स हमारे कंट्री के बैंक्स में एसेट होल्ड करते हैं वो भी आपका सप्लाई साइड में आता है, और फॉरेनर्स जो कि ट्रेवल कर रहे हैं इंडिया में उनके वजह से भी फॉरेन करेंसीज हमारे कंट्री में आती हैं, तो यहाँ पे भी आपका सप्लाई साइड फॉरेन एक्सचेंज का है। तो ये बेसिकली आपका डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। नेक्स्ट हम लोग डिमांड वर्सेज सप्लाई को एक ग्राफ से देखेंगे, मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी को। तो बस केवल आप लोग इस क्या कहते हैं पिक्चर को देखिएगा और मैं आपको समझाते जाऊंगा। डीडी कर्व जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है डिमांड, और एसएस कर्व जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, मतलब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है। ई पॉइंट जो इस डायग्राम में है वो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है, मतलब कि सप्लाई जो है वो डिमांड का इक्वल हो चुका है फॉरेक्स का। जब भी हम लोग अपवर्ड मूव करते हैं, मतलब कि आर वन की ओर हम लोग जब भी मूव करेंगे तो डिमांड जो है वो सप्लाई से कम हो जाएगा और रुपी जो है वो अप्रिशिएट कर जाएगा। जब भी हम लोग डाउनवर्ड मूव करेंगे, मतलब आर टू की ओर, तब क्या होगा कि डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगा आपका सप्लाई से, और यहाँ पे रुपी जो है वो डेप्रिशिएट करेगा। आर वन के केस में क्या हो रहा है कि सरप्लस सिचुएशन हो रहा है, लेकिन आर टू के केस में आपका डिफिसिट सिचुएशन यहाँ पे अकर हो रहा है। तो ये बेसिकली आपका कर्व में यही सब बताया गया है, डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली दो टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसको हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में दो स्लाइड्स में समझते हैं। पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के साइड देखते हैं। बेसिकली इस सिस्टम में क्या होता है कि कंप्लीट गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन पूरी तरह से होगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि मार्केट जो है वो डिटरमाइन करता है आपका एक्सचेंज रेट के वैल्यू को। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है वो डिटरमाइन करेगा कि आपका ऑफिशियल एक्सचेंज रेट क्या होगा, और ये कैसे करेगा, एक्सचेंज रेट को प्राइस ऑफ गोल्ड या मेजर करेंसी के साथ लिंक कर देता है और उसके हेल्प से डिटरमाइन करता है कि ऑफिशियल एक्सचेंज रेट क्या होगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं, मतलब कि डिमांड और सप्लाई आपका डिटरमाइन करेगा कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में अगर किसी कारणवश अगर एक्सचेंज रेट आपका फ्लक्चुएट करता है तो इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा और श्योर करेगा कि इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन्ड है। लेकिन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में ऐसा नहीं होता है, जब भी फ्लक्चुएशन होगा तो गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन नहीं करेगा और मार्केट को अलाउ किया जाएगा कि वो फंक्शन करे और डिटरमाइन करे कि ट्रू वैल्यू यहाँ पे क्या है।
फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में देखेंगे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में सिर्फ एक ही मेरिट होता है कि ये एश्योर करता है कि एक्सचेंज रेट जो है उसमें स्टेबिलिटी आए। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में सिर्फ एक ही डिमेरिट है कि यहाँ पे जब भी एक्सचेंज रेट आपका फ्लक्चुएट करेगा, मतलब कि एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएट करता है डे टू डे बेसिस पे, और बहुत ज्यादा आपका फ्लक्चुएट करता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हैवी बर्डन हो जाता है गवर्नमेंट को ताकि वो एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर सके, लेकिन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है ही नहीं। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्सचेंज रेट मेंटेन करने के लिए बर्डन यहाँ पे नहीं लेना है। एक्सचेंज रेट जो यहाँ पे होता है ये आपका क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, क्या मतलब यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, और एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन द वेल फंक्शनिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विथ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में आपका ये फंक्शन परफॉर्म होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बेसिकली अवॉइड करते हैं ऐसे कंट्री में जहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, क्योंकि उनको फियर होता है कि वो यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को लूज कर जाएंगे। लेकिन ये चीज आपका क्या कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में नहीं होता है। यहाँ पे एक्सचेंज रेट रिफ्लेक्ट करता है आपका ट्रू वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जो कि हेल्प करता है ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने में। तो इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे आके आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में हम लोग दो टर्म्स पढ़ेंगे, लर्म्स एंड मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रेजिम। लर्म्स का मतलब होता है लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसको हम लोग दो पॉइंट में समझेंगे। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी फॉलोड अ ड्यूअल एक्सचेंज रेट पॉलिसी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 40% जो है उसको कन्वर्ट किया गया है ऑफिशियल एक्सचेंज रेट पे, और 60% जो है वो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट किया जाएगा। एक्सचेंज रेट जो भी ऑफिशियल रेट पे कन्वर्ट किया गया है उसको हम लोग एसेंशियल इम्पोर्ट्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपका क्रूड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गया। तो ये सब बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपका लर्म्स में आते हैं। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है, एक्सचेंज रेट रेजिम में क्या होता है कि ये बेसिकली आपका 1993 से अभी तक चल रहा है, और एक बार अगर स्टेबिलिटी अगर मान लो सपोज आता है तो इंडिया क्या किया कि ट्रांजिट हो गया आपका लर्म्स से फुल फ्लैश मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम में आ चुका है इंडिया स्टेबिलिटी अचीव करने के बाद। 1993 के बाद एक्सचेंज रेट जब फ्लक्चुएट हुआ तो वो बेसिकली मार्केट मतलब एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन जो था वो मार्केट पे डिटरमिन करने लगा। 1994 के बजट में 60-40 रेशियो जो आपका लर्म्स में था उसको हटा दिया गया और 100% कन्वर्शन लाया गया मार्केट बेस्ड रेट पे। तो ये बेसिकली आपका लर्म्स और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रिजिम के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, और कैपिटल अकाउंट भी इसी में थोड़ा थोड़ा इंक्लूडेड रहेगा। करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि एक फ्रीडम जिससे हम लोग रूपी को किसी दूसरे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फॉरेन करेंसी को वापस से रूपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए इसका मतलब ये है कि इंडिया को फ्रीडम है कि वो अपने लोकल फाइनेंशियल एसेट को फॉरेन वंस में कन्वर्ट कर दे, वो भी आपका मार्केट डिटरमिंड एक्सचेंज रेट पे। करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी बेसिकली आपका फ्री एक्सचेंज ऑफ करेंसी लीड करता है, और वो भी आपका लोअर रेट पे और अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल यहाँ पे आपका होता है। हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ कैपिटल अगर होगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। कंट्रीज क्या करते हैं कि कुछ कुछ कैपिटल फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट को सेफगार्ड कर सकें। जैसे कि इंडिया में मान लिया जाए कि एग्जांपल है कि देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल, मतलब कि इंडिया में क्या है कि रेस्ट्रिक्शंस है फॉरेन कैपिटल के मूवमेंट पे, तो इसीलिए रूपी जो है वो आपका फुल्ली कन्वर्टिबल कैपिटल अकाउंट पे नहीं है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है आपका करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे। नेक्स्ट है आपका करेंट वर्सेस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या करता है कि वो बेसिकली आपका फ्री इनफ्लो और आउटफ्लो फॉरेन करेंसी का अलाउ करता है सभी पर्पसेस के लिए, जैसे कि इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, रेमिटेंस हो गया, स्टडी अब्रॉड हो गया, ट्रैवल टूरिज्म पर्पस, ये सब हो गया। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो होता है उसको बेसिकली माना जाता है कि वो डेवलप्ड कंट्री का हॉलमार्क है, मतलब कि हॉलमार्क ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। इसको एक मेजर कंफर्ट फैक्टर की तरह भी देखा गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि
ये अलाउ करते हैं उनको कि वो अपने लोकल करेंसी को रिकन्वर्ट कर सकें अपने खुद के करेंसी में और भारत से बाहर जा सकें। तो ये बेसिकली करेंट और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का थोड़ा सा बेसिक एक डिफरेंस था समझने के लिए कि करेंट और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एक्चुअली होता क्या है। टुडे सिनेरियो मतलब कि करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है वो आपका यहाँ पे फुल्ली कन्वर्टिबल है। फॉरेन एक्सचेंज जो भी रिक्वायर्ड होता है करेंट पर्पस के लिए वो बेसिकली हम लोग ऑफिशियल एक्सचेंज रेट पे जाके वहां पे अवेल कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए तारापुर कमेटी बैठा गया मतलब कि संगठित किया गया था। तारापुर कमेटी जब से संगठित हुआ है उसके बाद से इंडिया जो है वो फुल कन्वर्टिबिलिटी की ओर मुड़ चुका है, मतलब कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है उसको फुल्ली कन्वर्टिबल बनाने की ओर भारत अब मुड़ चुका है। और लेकिन अभी स्थिर मतलब कि अभी करेंट पोजिशन जो है वो अभी 40-60 रेशियो है, तो इसीलिए अभी तो पार्शियली कन्वर्टिबल है लेकिन शायद फ्यूचर में उसको फुल्ली कन्वर्टिबल बना दिया जाए। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ऑफ द डे, तो आज का टॉपिक है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021। तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस एक्ट को पास किया है। इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के फीचर्स जो है उनको थोड़ा हम लोग कुछ पॉइंट्स पे देख लेते हैं। तो पहले हम लोग अबाउट द एक्ट पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं कि इंटरेस्ट और राइट जो ओनर और टीनेंट्स के होते हैं उनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए है। दूसरा, ये आपका अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं रेंटिंग के लिए, वो भी एक डिसिप्लिन और एफिशिएंट मैनर में। और मॉडल एक्ट मतलब मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है वो आपका क्या कहते हैं एप्लीकेबल है फॉर द होल ऑफ द स्टेट, मतलब कि स्टेट में जो भी अर्बन और रूरल एरियाज है उन सभी के लिए आपका मॉडल टेनेंसी एक्ट एप्लीकेबल है। अब इसका फीचर्स क्या हो सकता है, तो इसका फीचर्स पहला ये है कि इसने रेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश किए हैं, मतलब कि जो भी डिस्प्यूट इस फील्ड के अंदर है उसको रिजॉल्व करने के लिए रेंट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किए गए हैं। जितने भी प्रेमाइसिस है मतलब कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो भी है उनको रेंट तभी दिया जाएगा जब एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा म्यूचुअल एग्री टर्म्स पे। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स पे कैप लगा दिया गया है कि मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगा वो बेसिकली वो मैक्सिमम 2 मंथ रेंट होगा और इन केस ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। तो ये इसके कुछ कुछ फीचर्स है। नेक्स्ट है कि अगर लैंड ओनर रिफ्यूज करता है क्या कहते हैं रिपेयरमेंट के वर्क के लिए, तो टीनेट्स जो है वो उस वर्क को कर लेंगे और जो भी पीरियोडिक रेंट वो पे करते हैं उसमें से वो अमाउंट वो डिडक्ट कर लेंगे। तो ये चार इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब नीड क्या था मॉडल टेनेंसी लॉ का, तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे घर भारत में ऐसे हैं मतलब कि अर्बन एरियाज में वो अभी वैकेंट है। तो डेटा ऐसा बताता है कि 1.10 करोड़ घर ऐसे हैं जो कि भारत के अर्बन एरिया में वैकेंट है, तो इसीलिए मॉडल टेनेंसी लॉ का बहुत ही ज्यादा एक जरूरत है। दूसरा क्या हो सकता है कि हम लोग जानते हैं कि लैंड जो है वो बेसिकली आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है वो लॉ बनाएगा लैंड के प्रस्पेक्टिव में। तो जो भी लॉ स्टेट बनाते हैं वो बेसिकली उनका जो प्रोविजंस होता है वो बहुत ही लंबा होता है, तो जिसके वजह से लेंदी लिटिगेशन हो जा रहा है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में। तो ये दो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं मॉडल टेनेंसी लॉ के नीड में, और बाकी बहुत ऐसे और बहुत पॉइंट है, तो वो हम चाहते हैं कि आप सोचें और इस टॉपिक को और ज्यादा आप इनलार्ज करें, मतलब कि एक पेपर पेन ले लें और उसमें अच्छे से लिख लें ताकि ये आपको आने वाले मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट एक मेंस का क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मॉडर्न टेनेंसी एक्ट 2021, हाउ विल द मॉडर्न टेनेंसी लॉ बी बेनिफिशियल। तो इसके बारे में सोचिए, 15 मार्कर है तो 3 पेजेस आपको लिखना होगा इसमें, थोड़ा 3 या 2.5 पेजेस भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू, आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।